हाय, आर्यन मोटिवेशनल स्पीकर से मैं राम नारायण। दोस्तों, आइए एक कहानी सुनाते हैं। आज पूनम लव मैरिज करके अपने पापा के पास आई। अपने पापा से कहने लगी, पापा, मैं अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली है। उसके पापा बहुत गुस्से में थे, पर बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे। उसने बस अपनी बेटी से कहा, मेरे घर से निकल जाओ। बेटी ने कहा, अभी इनके पास काम नहीं है, हमें रहने दीजिए, हम बाद में चले जाएंगे। पर उसके पापा ने एक नहीं सुनी और उसे घर से बाहर कर दिया। कुछ साल बीत गए, अब पूनम के पापा नहीं रहे और दुर्भाग्यवश पूनम ने जिस लड़के से शादी की थी वो भी उसे धोखा देकर भाग गया। पूनम के पास बस एक लड़की और एक लड़का था। पूनम खुद का एक रेस्टोरेंट चला रही थी जिससे उसका जीवन यापन हो रहा था। पूनम को जब ये खबर चली कि उसके पापा नहीं रहे तो उसने मन में सोचा, अच्छा हुआ उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था, दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। मेरे पति के छोड़ देने के बाद भी मुझे घर नहीं बुलाया, मैं तो नहीं जाऊँगी उनके अंतिम संस्कार में। उसके ताऊ जी ने कहा, पूनम हो आओ, चले जाने वाला शख्स तो चला जाता है, उनसे दुश्मनी कैसी है। पूनम पहले हाँ ना किया पर सोचा और चली गई। देखो तो जिन्होंने मुझे ठुकराया मरने के बाद कैसा सुकून पाते हैं। पूनम जब अपने पापा के घर आई तब सब उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे थे, पर पूनम को उनके मरने का कोई दुख नहीं था। वो तो बस अपने ताऊ जी के कहने पर आई थी। अब पूनम के पापा की अंतिम यात्रा शुरू हो गई। सब रो रो कर बेहाल थे। पूनम दूर खड़ी हुई थी। जैसे तैसे सब कार्यक्रम निपट गए। आज पूनम के पापा की 13वीं थी। अब ताऊ जी आए और पूनम के हाथों में खत देते हुए उन्होंने पूनम से कहा, यह तुम्हारे पापा ने तुम्हें दिया है, हो सके तो तुम इसे ज़रूर पढ़ लेना। रात हो चुकी थी, सारे मेहमान जा चुके थे। पूनम ने वह खत निकाला और पढ़ने लगी। उसने सबसे पहले लिखा था, मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे माफ़ कर देना। मुझे मालूम है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, पर अपने पापा को माफ़ कर देना। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मैंने घर से निकाला था, तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं थी, तुम दर दर की ठोकरें खा रहे थे, पर मैं भी उदास था। तुम्हें कैसे पता, याद है तुम्हें जब तुम 5 साल की थी तो तुम्हारी माँ के छोड़कर चले जाने के बाद तुम कितना रोई, डरती थी, मेरे बिना सोती नहीं थी, रातों को उठकर रोती थी। तब मैं भी तुम्हारे साथ सारी रात जागता था। जब तुम स्कूल जाने से डरती थी तब मैं भी सारा वक्त तुम्हारे स्कूल की खिड़की पर खड़ा होता था। जैसे ही तुम स्कूल से बाहर आती तुम्हें सीने से गल लगा लेता था। वो कच्चा पक्का खाना याद है, तुम्हें पसंद नहीं आता था, तब मैं उसे फेंक कर फिर से दोबारा बनाता था कि तुम भूखी ना रह जाओ। याद है तुम्हें बुखार आया था, सारा दिन तुम्हारे पास बैठा था, अंदर ही अंदर रोता था, पर तुम्हें हंसाता था कि तुम ना रो वरना मैं रो पड़ता था। पर एक दिन तुम ऐसे लड़के से शादी कराई, उस लड़के से जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं था। तुम्हारा पापा, मैंने उस लड़के के बारे में सब पता किया, उसमें वासना व पैसे के लिए कितनी लड़कियों को धोखा दिया था, पर तुम तो उस वक्त प्रेम में अंधे थे। तुम एक बार मुझसे नहीं पूछा सीधे शादी करके आ गई। मेरे कितने अरमान थे तुम्हें डोली में विदा करूँ, चाँद तारे से सजाऊँ, कितनी धूमधाम थी तेरी शादी करूँ कि लोग बोलें कि देखो शर्मा जी अपनी बच्ची को नाजों से अकेले पाला है, पर मेरे सारे ख्वाब तोड़ डाले। खैर, इन बातों का कोई मतलब नहीं। मैं खत इसलिए तुम्हें छोड़ा है कि तुमसे कुछ बात कर सकूं। मेरी गुड़िया, अलमारी में तुम्हारी माँ के गहने और मैंने तुम्हारी शादी के लिए जो गहने खरीद रखे थे वे सब हैं।
तीन चार घर और कुछ ज़मीनें हैं, मैंने सब तुम्हें एवं तुम्हारे बच्चों के नाम कर रखे हैं। कुछ पैसे बैंक में हैं, तुम बैंक जाकर निकाल लेना। बस अंत में यही कहूँगा गुड़िया, काश तुम मुझे समझा होता। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं था, तुम्हारा पापा था, वो पापा जो तुम्हारी माँ के मरने के बाद भी दूसरी शादी नहीं की, तुम्हें कोई कष्ट न हो। इसलिए दोस्तों, लव मैरिज करना कोई गलत बात नहीं, पर इसमें अपने माताजी पिताजी को शामिल कर लें तो अच्छा होगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।